अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में स्थित 35 पांगिन बोलंग विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार साथ ही मौजूदा विधायक ओजिंगता सिंह और कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व मंत्री तपांग तालो के बाद आज आप सभी को एक नया चेहरा, नया उम्मीदवार देखने को मिलेगा। नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूँ किरण। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 35 पांगिन बोलंग विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी सारी ताजा अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रह रहे हैं, पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके राजनीति को लेकर। ऐसे में आप ये भी देख रहे हैं कि 35 पांगिन बोलंग में किस तरह से एक तरफ मौजूदा विधायक भाजपा के उम्मीदवार ओजिंगता सिंह और उनका सारा भाजपा का जो टीम है वो किस तरह से कॉन्फिडेंट एक तरफ नजर आ रहे हैं, वही पूर्व मंत्री INC के उम्मीदवार तपांग तालो भी हरकत में आ चुके हैं और उनके तरफ से भी चुनावी गतिविधि पूरी तरह से तेज हो गई है। ये भी आप देख रहे हैं, हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करते रह रहे हैं। ऐसे में आज यानी कि 24 अक्टूबर 2023 के दिन एक नया चेहरा औपचारिक तौर पे 35 पांगिन बोलंग में घोषणा करने वाले हैं और इस घोषणा को आज फिर से यमसिंह गाँव में करने वाले हैं। हमने आपको यमसिंह गाँव से काफी बार रिपोर्टिंग की है लेकिन इस हाईवे से कभी रिपोर्टिंग नहीं की। आप सभी को बता दूं कि पांगिन क्रॉस करके आप पासीघाट की तरफ बढ़ते हैं तो केबांग पहुंचने से पहले आपको ये रास्ता दिख जाएगा। इस हाईवे से लेकर यहाँ से 11 किलोमीटर अंदर अगर हम दाखिल होंगे तो यमसिंह गांव पड़ता है जो कि पूर्व मंत्री तपांग तालो का जन्मभूमि है और उसी गांव में आज एक नया चेहरा औपचारिक तौर पे घोषणा करने वाला है बतौर MLA उम्मीदवार के लिए। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस गेट में जो बैनर देख रहे हैं वहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं तक्कू जेरंग करके एक शख्स है जो आज 35 पांगिन बोलंग विधानसभा क्षेत्र में बतौर MLA के विधायक के उम्मीदवार वे खड़े होने वाले हैं और इसकी घोषणा आज यमसिंह गांव में करने वाले हैं। और यहां अगर आप एक नजर दोहराएंगे तो ये ब्रिज है, ये पुल है और धीरे धीरे करके लोग जो है तक्कू जेरंग की बातों को सुनने के लिए और उनका उनका जो समर्थक है गाँव गाँव से यहाँ धीरे धीरे करके यहाँ पे जुड़ रहे हैं, यहाँ पे उनका इंतजार किया जा रहा है। बताया यह गया कि पांगिन से तक्कू जेरंग निकल चुके हैं, उनका काफिला अब यहाँ आने वाला है। उसके बाद साथ ही में लगता है कि ये पूरे जितने भी समर्थक यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं वो एक काफिला बनाकर यहाँ से यमसिंह के लिए निकल जाएंगे और हम भी इस पर लगातार अपनी नजर बनाए रखेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। तक्कू जेरंग कौन है, किस पार्टी से वे उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं और 35 पांगिन बोलंग में बाकी दोनों उम्मीदवार जिस तरह से अपना कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, ऐसे में तक्कू जेरंग किस तरह से अपने आप को यहाँ पे लोगों के सामने, आम जनता के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा। Ben koyalım. Dedi. Ben
Yeah.
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे पेमा कांडू जिंदाबाद। सोनामेन जिंदाबाद। सोनामेन जिंदाबाद। तपुरगांव जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। थैंक यू। कालिंग सिरा इधर टापा तलो मकम दुदूंग मन आते गोपी का मुकोकी मांग और उसको गिरा के भी हम बात नहीं कर रहा है। इधर ला हुपा की मुक अबुआ भी लुपा मुझे अन्य पे तो मिदूंग अबुआ भी अभी मुक कई नाम है सीतांग गिरा तलो मुम का के लुला मुक लेन को ही मुक अन्य के लेन को लुला मागो दुम गुआम हुपा के एक्स अमला प्रजन को मुंगिंग का मा पर इधर ला मुक अवा मुक आते को भी हिला मांग को मोगलांग ने पाक भी हिला मिला को मैं दूंगा भाई जब मैं तुमको आगे वो 2019 दे लोग इलाके ला वो कांग्रेस सेक्रेटरी है और हुपा को लोग वो कांग्रेस सेक्रेटरी है ये वो बिग आयु में हार रखे अब ये नहीं ना कहाँ को लोग वो मने कौन नो वो कोट बोल वो डिजिटल वो कम वो मने डिजाइन भी तो को इना मैं बिम गोम 15 इयर्स को कांग कितो आको नेम गोम देवा कांग किया प्रजन में ये कुम दोलुं आई ने लीडर एबुल लीडर पारा में दूं आरो है जरंग सरकार ने को अमी को बुगियत एम ताजू ही रोला पब्लिक मोलु में कांग को तिलांग को लोंगा को ये बोका को मिं कुनम दम पब्लिक नोलु बाने को आगम तोड़ी खिलागा मुको भी दूं आई लीडर तीन नको बीमा डेवलपमेंट इबो एन
the menam toroblo ngotara dolu lo ke tater muang ngobim sapon la hilo kalo ngalim sim dolu holo pemin gedo ayo do rongo kamen ya kaleng tak ya ngosi sen dolu lo ke ngoluk si sen ekom upak rala dudung lebih ga ingko he join ingko he anyong ko let ke takama bi ingko rala dudung upak de ai ngoluk ka kum dei sa ngo ga mo del ngolu kom lok pa lok ka 15 members ko bim sar ma support nam laga pa adu ai de pato mo agom lukin nam mog lang ne bu kibrem ke da gari re ke da bika ma da bimai mum bihu lagi da mokom kano bu da mokom yum ba bim pa mo la mu la campaign mai ma kano yu da yum me yu da mokom dalu yu da tilu yu da mong ka bimai kal dira luge mai dira dira da luge na na kal luge mai dira da tadang tak bu kemin gelang mala mala ina me dira aina ma amang yemsi dolung ang muhang mai da ke yemsi dolung ang nol he ila mai nol beda beda inko ka buin de ko kai do ron he mai na na berang me he yela ima di lokom ro ro bangku holo emele i dokom bangku ka parti hol aye bikom beda be mojun le lai do ngok dolu lo kang kiu nam berang e riu tu yemsing he mo uire mo lang kuang dang nam yolin kuang hokom pelen ko hunai mang mung ke mo aye yeru yeru hakka berang kan nul he ila mai berang he dun are bangku hu lo to homa aye da एमएलए था ये इनको देरो को एक्स मंत्री दो हम तो दूरिंग मार कम नहीं पाए था मैं दूरिंग मार कम नहीं हम बजा इलाज ले तू जा बिकल मैं नहीं मांग के हम बजा हैं ये है बुं बुं इन बेबक कहीं ना कहीं बजां को गोलू कम गा दो लोग दूसरी है चाइना दूर किन्हें दोनों युरा लोग गाये दुख फिर भी दुख दुआ को बिना बहुत तेरी के गोलू का कादरम बुइन बेगत का अंगीरे दुगला में कोलो एकोलो एम दन्ना में दन्ना ने दक्किंग महुआ कोमो उपाय कमां तबूता कौन लिखे इन्हें मैं है इलाज दौलूंगा ताकु जरा नहीं दौको मैं बजाय हम धन एमएलए एमपाल एमसी दौलूंगा ना महिलो कारिंग माह तुमको नहीं दौको मैं धम आ गमा का नो गुमन है ना नो दौलूंगा बजाय हम धन मौजूद केलंग का पंकांग मातो भी माले होलो एमसी बजाय हम बो एमसी बजाय फाकिम इजुन दोगा मो आ मुना मंगो दे मुना देलो क नलो आया है लहे ना जुका ताकुजरा मेले रफ कातो जुका बितेलो क्रिस्टन ने थे होटल हायर में कम दिशु में रिपोइए बेल तो के में लोगों हकी मई में रिपोइए बिकम बासी को हमारे लोगों इना आगे दम ना आइए बिन गेमो लाजु का बुदन बिला जुका का मिजी मिने लोगों तका थोलिक बोला न्यू केंद्र से इका लाजु का मंका में मिलो दुबिन जरंग के एमएलए आइल मांग हे भयंक एमएलए आइल मांग दुबिन के एमएलए आइल मांग ये को हाला है मोकम टेबल लंग को हाला दूं गारंटी का बन मते ने देख लगा हिनिंग के में 24 होलो मोलू हेला जु ताकु जरा में तका आ रिगम मुदोला बिला जु का हिलो का आना है मीर 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 मई लाल गेम को मोल जिंदाबाद को खे मरे नवा 3000 फुट पाने हो एमएलए पाए बैंक के बितानी हिलो को माई एक्स मंत्री को एका बिगिना में का देलो कहते में अन जन दुखी में का बिगिना में इरो को अतर खामा ताकु में को बिकाए भात ना अतई में बिम को मेरा बिगतोंग बिगकुम लारुमांग आइ मो श्री ताकुजरांग सिलो तायंगु अनगोमन होलो तकाम करल लो डिक्लेयर हिदुम मो अपना इलेक्शन 2024 लो कैंडिडेट को पसाय कॉन्टेस्ट ये जलोग लगा पे मो नलुक बुलुक तकाम के आयां सपोर्टर रोगुदु मोगा कैंडिडेट पर ईएम लो नाम हम गोमा इनको दो लुंगा कम लुलिंग मांग ये कम लुलिंग मांग पब्लिक लीडर है कम लुलिंग मांग गोगा आज का मेरा मेरा ब्लॉग है गो हिंग का आपना 2024 का है मैं गो आज का मेरा फिर नाम को गो गरब दंग ने गो ये कम लुलिंग तो बुकामांग कतो जब गो मेरा ngok al ka mero blu rok moko ngok gerop dang na ngin ka hima upak bjp lo 2024 lo imi lo 10 years ko ye ngo 3 years ko st morcha lo ka general secretary pakom ito da lo laga pa ngin ka apna 2024 lo
ngokom BJP tiketam kodang namoko. Delok ke BJP tiketam. BJP tiketam. Pamangko ngo BJP LS noga hai namoko. Dan nalu adil lako mema toka taku jarang be dalu ala hangku mai. Taka kama. Nalu bulu taka me aga etet la yetoka. Ek bar ko ngok lurongam, ngok murogam, ngo JCP hai rong hai. Nalu miyama ko ngopat kumai. Dalok ka. Ngo holo 2024 holo. By chance panam ko kadokom, pamang ko kadokom, ngo 2029 lokom, ngo JCP hai namoko. Dan nalu JCP murgab lako. Hey lang. तो दर्शकों 35 पांगिन बोलंग में विधायक के दावेदारी की सूची में एक और नाम आज दर्ज हो चुका है और औपचारिक तौर पे जो घोषणा करने की मैं बात कर रहा था वो घोषणा जो है खत्म हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है तकु जेरांग जिन्होंने अपने दावेदारी आज दर्ज करा दी है पूरे 35 पांगिन बोलंग के आम जनता के सामने। और आप सभी को ये भी बता दूं कि शुरुआत दौर में मैंने ये बताया था कि ये गांव यमसिंह जो है पूर्व मंत्री तापांग तालो का गांव है और अभी यहां आकर मुझे ये भी पता चला कि ये गांव तकु जेरांग जी का भी गांव है। और साथ में मेरे साथ जेरांग मैडम भी मौजूद है। तो सर का भी ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, बहुत ही कम समय लेते हुए सर से चंद सवाल करते हैं। सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मेरे पूरे दर्शकों को और 35 पांगिन बोलंग के आपके जितने भी जनता है उन्हें अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम है तकु जेरांग, मैं यमसिंह बस्ती का हूँ। तो मैं बीजेपी में टोटल 10 साल 2024 होने से 10 साल में मतलब कंप्लीट होने जा रहा हूँ। तो उस वजह से मैं आज ये कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मुझे भी एक बार मौका मिलना चाहिए कि बीजेपी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि 2014 में हमारा अभी का जो विधायक है ओजिंगता सिंह जी, उसका 2014 में मैं उसका इलेक्शन एजेंट रह चुका हूँ। उसके बाद 2019 में भी हम लोगों ने सब मिलके उनको MLA बनाया। तो इस बीच में उनका इतना एंटी इनकम्बेंसी हो गया, तो इसीलिए मैं मतलब ये का बीजेपी का ये जो बीजेपी का ये जो टिकट है मैं क्लेम करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट आप मांगने वाले हैं, ऐसे में सर आपको भी पता होगा कि किस तरह से अभी 35 पांगिन बोलंग में आप शायद हमारे फ्रीडम न्यूज अरुणाचल से भी आप जुड़े होंगे, देख रहे होंगे कि किस तरह से पूर्व मंत्री तापांग तालो भी हरकत में आ चुके हैं, एक्टिव हो गए हैं। साथ ही वही भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक है ओजिंगता सिंह, वे भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तकु जेरांग को लोग क्यों चुनना चाहिए, चूंकि भाजपा में ऑलरेडी सिटिंग MLA है। अभी देखिए, हमने पहले भी आपको कहा कि हमारे या पूर्व एक्स मंत्री तापांग तालो जी वो 15 साल रह चुका है मिनिस्टर के तौर पे। उनके बाद में ओजिंगता सिंह जी हमारा अभी जो है जो अभी का ये MLA है, तो उनका जो है एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा हो गया कि अभी लोग बोल रहे हैं कि हमें न्यू फेस चाहिए, न्यू फेस। तो उनके उस लिए न्यू फेस के लिए मैं अभी 2024 के लिए मैं करा हो रहा हूँ। पांगिन बोलंग में, 35 पांगिन बोलंग में ऐसा क्या क्या चीज है आपको लगता है जहाँ पे काम किया जाना चाहिए था, जहाँ पे काम कर सकते हैं लेकिन अभी तक किया नहीं गया? अगर आप विधायक चुनकर आते हैं तो आप ऐसा ऐसा काम करेंगे, क्या कुछ आपके मन में है सर 35 पांगिन बोलंग के लिए? अभी देखिए, आपका एक फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमारे यमसिंह बस्ती जहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं है इतना साल से, अभी तो जो है 5G आ गया लेकिन हमारे यमसिंह बस्ती में अभी मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है। उसका सड़क देखिए, सड़क वहाँ से जाने से जब यमबुंग से लेके ये यमसिंह तक 11 किलोमीटर है, उनको देखिए अगर दो गाड़ी जाने से भी वहाँ क्रॉसिंग करने के लिए बहुत मुश्किल है। जबकि हमारा एक्स मंत्री 15 साल था, उसके बाद हमारा ओजिंगता सिंह जी अभी का MLA है, वो लोग भी अभी तक भी ये हमारा इस रास्ता को भी अभी तक कंप्लीट कर नहीं पाया। और उनके बाद और वह दूसरा बस्ती में भी कई जगह है जहाँ मोबाइल नेटवर्क अभी तक नहीं है। तो मैं अगर आगे जब अगर मैं MLA अगर मुझे सब मिलके बनाते हैं तो ये सब एजुकेशन सेक्टर में और ये जो जो ये एजुकेशन में अभी देखिए जहाँ जहाँ है कोई स्कूल जो है वो दीपांग परा हुआ है, उसका बाद में हेल्थ का जो है जहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और ये जैसे रीगा में है वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो उस ये सब के वजह से मतलब हमने ये सोचा कि आगे जो आएगा तो उस समय में हम ये जो जितना जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करने का कोशिश करेगा।
जी सर, इसी महीने के 9 तारीख को रंगो गांव में हमने देखा कि काफी सारे घर परिवार जो है भाजपा को छोड़कर तपंग तालो जी के साथ हाथ मिला रहे थे, और 20 अक्टूबर को ही इसी महीने के 20 तारीख को इसी गांव में इसी पंडाल के नीचे देखा कांग्रेस के औपचारिक घोषणा के मुताबिक, आधिकारिक घोषणा के मुताबिक 24 परिवारों ने उनके साथ हाथ मिला लिया। और आज देखने में आ रहा है कि आपने कुछ कुछ आंकड़ा, कुछ नंबर्स आपने बताया जो कि कांग्रेस को छोड़ भाजपा में जाने की, लेकिन आपके लीडरशिप को पसंद करने के बाद ऐसा दावा आप कर रहे हैं, क्या इस आंकड़े को, इस नंबर को हमारे दर्शकों को बता पाएंगे सर? देखिए, हमारे यहाँ भी नेशनल में देखिए बीजेपी है रूलिंग गवर्नमेंट, हमारे अरुणाचल में है रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी, और बीजेपी का जो हमारा पब्लिक है वो ऑपोजिशन में जा रहा है। ये कभी हमारा यह हुआ नहीं है, ऑपोजिशन से रूलिंग में आता है। हमारा यह हो रहा है 35 पांगिन बोलिंग कॉन्स्टिट्यूशन में रूलिंग से ऑपोजिशन में जा रहा है, तो उसी के लिए आज देखिए आप हमारा जो यहाँ में हमारा डिक्लेरेशन में जो है देखिए 118 जो कांग्रेसी है वो हमारे बीजेपी में तकुजरंग का लीडरशिप में आज वो लोग वापस आ गया, और आने वाले में भी बहुत से ऐसे जो है जो हमारे बीजेपी से निकल के कांग्रेस में आया उसको मैं वापस लाने का पूरा कोशिश करूंगा। मेरा आखिरी सवाल, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आज जो जो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं आपके इलाके की आपके जनता, हमारे माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लगता है कि लोगों को सुनना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो अभी जो 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 नहीं आया है तो उनको ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम जो है न्यू फेस उभर के आया है, तो न्यू फेस को भी इस बार आप लोग सब मिल के देखिए और एक बार मुझे मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक सर।